हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं दुनिया का सबसे पॉपुलर रेसिंग शू, प्रोबेबली दुनिया का सबसे पॉपुलर रनिंग शू, नाइकी वेपरफ्लाई 3 का। अगर आपने हमारा बेस्ट ऑफ 2023 सीरीज देखा है तो आप जानते होंगे कि ये शू हमारे सारे रेस कैटेगरीज के टॉप 3 में रहा है। वेपरफ्लाई 1 से ही नाइकी ने एक लीड बना रखा है बाकी ब्रांड्स के रेसिंग शूज के ऊपर, क्योंकि इनका जूम एक्स मिडसोल रेवोल्यूशनरी था। बाकी ब्रांड भी विद टाइम इनोवेटिव फॉर्म्स और ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस करके इसके क्लोज पहुंच गए हैं। तो क्या वेपरफ्लाई 3 अभी भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होल्ड करता है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। डिस्क्लेमर के तौर पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये शू हमने अपने पैसों से लिया है। चलिए शुरू करते हैं इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। नाइकी वेपर फ्लाई 3 की स्टैक हाइट है 40 मिलीमीटर हील पे, 32 मिलीमीटर फोरफुट पे और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेंस साइज 8.5 यूके में, इसका वेट 195 ग्राम और इंडिया में आता है 20,695 रुपए का, जो अराउंड 700 रुपए बढ़ा है। पिछले वर्जन की तरह इसमें भी फ्लाइनेट अपर है, पर ये एक्सट्रीमली ब्रीदेबल है। इसका मिडसोल नाइकी के सबसे प्रीमियम फोम जूम एक्स से बना है, जिसके बीच में इनका फ्लाई प्लेट नाम का कार्बन फाइबर प्लेट एम्बेडेड है। आउटसोल रबर पिछले वर्जन से 2 मिलीमीटर कम की गई है, जिससे मिडसोल स्टैक 2 मिलीमीटर बढ़ा है। अब बारी आती है लाइक्स और डिसलाइक्स की, और पहला लाइक है इसका परफॉर्मेंस। सॉफ्ट, बाउंसी, प्रपल्सिव, स्नैपी, रिस्पॉन्सिव, जो भी अच्छे एडजेक्टिव्स आप इस शू पर लगाना चाहें वो सब इस पर एप्लीकेबल हैं। रीडिजाइन ज्योमेट्री के कारण आपका हर स्टेप प्रपल्सिव फील होता है। आप अगर धीरे पेस पर भी भागने की कोशिश करो, ये ऑटोमेटिकली आपको एक्सेलरेट करता है। इसका एफर्ट टू पेस रेशो बहुत अच्छा है, मतलब कम एफर्ट में फास्टर पेस। दूसरा लाइक है एनी डिस्टेंस रेसर। हमारे पास वेपरफ्लाई 1 और 2 भी है, और ऑल्दो हम उसे 5K, 10K, हाफ मैराथन डिस्टेंसेस पर यूज़ करते हैं, हमने ये नोटिस किया है कि लॉन्गर डिस्टेंसेस पर वो बॉटम आउट करता है। इस इशू को एड्रेस करने के लिए नाइकी ने इस वर्जन के मिडसोल में चेंजेस किए, जैसे 4-foot मिडसोल का स्टैक हाइट इंक्रीज, क्योंकि आउटसोल रबर पतला किया गया, जिसके कारण हमें इसका 4-foot स्टैक पिछले वर्जन से ज़्यादा लगा और इसके बॉटमिंग आउट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तीसरा लाइक है इसका वेट। बाय गॉड, ये एक लाइट वेट शू है। हमें टाकू में से 9 हल्का लगा था, पर ये तो अलग लेवल पे है। ऑल्दो वेपरफ्लाई हमें कभी भी हैवी नहीं लगा, और लॉन्गर रेसेस पे ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। पिछले वर्जन से भी ये वेट ड्रॉप किया है 9 ग्राम से हमारे 8.5 यूके साइज में, जो कि एक इंजीनियरिंग मार्वल है। चौथा लाइक है ब्रीदेबिलिटी। नाइकी ने इसके अपर को अपडेट करके इसकी ब्रीदेबिलिटी को एनहांस किया है, जिससे वेट रिडक्शन भी देखने को मिल रहा है। समर के रेसेस में हमारा गो टू रेसिंग शू होगा। डिसलाइक्स के बारे में हमें काफ़ी सोचना पड़ा, पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हमने फेस किया वो था इसके आउटसोल के कटआउट में पत्थर का फंसना। इंडिया के रोड कंडीशंस में ये 2 प्रॉब्लम्स फेस करेगा इस कटआउट के कारण। एक तो मिडसोल बहुत सॉफ्ट है, जिस कारण ये एक्सपीरियंस थोड़ा बदरसम लगेगा, और इन द लॉन्ग रन इससे मिडसोल भी डैमेज हो सकता है। एक और माइनर डिसलाइक हो सकता है स्टेबिलिटी। ये प्योरली एक न्यूट्रल रनर के लिए बना है। अगर आपको थोड़ा भी प्रोनेशन का इशू है तो हम ये आपको रेकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका हील बहुत नैरो है, और अगर आप हील स्ट्राइकर हो तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब हम इस शो के 3 मेजर कंपोनेंट्स, अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। अपर की बात करें तो एक रेसिंग शू के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें। फिट ट्रू टू साइज है, ब्रीदेबिलिटी टॉप नॉच है, पर लॉकडाउन ओके है माइनर हील स्लिप के कारण। ये इसलिए है क्योंकि इसमें पैडिंग कम है, और कम पैडिंग वाले शूज में लॉकडाउन अच्छा नहीं होता। इसे हम देंगे 3.75/5। पूरे रिव्यू में हम इसके मिडसोल की तारीफ करते आए हैं, और स्कोरिंग से आप समझ जाएंगे कि इट्स द रियल डील। इसे हम देंगे 9.25/10, और अभी तक इस चैनल में ये हाईएस्ट स्कोर है। आउटसोल हर एक रेसिंग शू की तरह जस्ट अबव एवरेज है। ग्रिप और ड्यूरेबिलिटी भी हम अबव एवरेज ही एक्सपेक्ट करेंगे। एक ही इशू है, वो है मिडसोल कटआउट, जो वेट कम रखने के लिए डाला जाता है, और ये आपको हर रेसिंग शू में मिलेगा। इसे हम देंगे 3.5/5, तो टोटल स्कोर आता है 16.5/20। रेटिंग से ही आप समझ गए होंगे कि ये शू हमें कितना पसंद आया है। एक कैवियट ऐड करना चाहेंगे कि अगर आप एक कैजुअल मैराथनर या हाफ मैराथनर हो और कंप्लीशन के मोटिव से रेस एंटर कर रहे हो, तो ये हमारा फर्स्ट रिकमेंडेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको फोर्स करता है पेस पिक करने के लिए, और लंबे डिस्टेंस पे
ये स्ट्रेटजी सही नहीं होगी। हम ये भी रेकमेंड करेंगे फर्स्ट टाइम यूजर्स को कि इसे आउटराइट रेस डे पर ना पहनें, पहले एक ट्रायल रन जरूर करें। तो ये था हमारा रिव्यू नाइकी वेपरफ्लाई 3 का। अगर आपको वीडियो पसंद आया या इससे कोई वैल्यू मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।